नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 जनवरी मंगलवार दोपहर 1 बजे राजस्थान की खास खबरें। गुजरात में बड़ा हादसा हुआ है। सूरत से 60 किलोमीटर दूर कोनसाबा इलाके में डंपर ने 20 लोगों को कुचल दिया। इनमें से 15 की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सभी मजदूर थे और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के रहने वाले थे। हादसा बीती रात किम मांडवी रोड पर पलोट गांव के पास हुआ। फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर डंपर चढ़ गया। 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 को हालत गंभीर में अस्पताल ले जाया गया। सूरत के सरकारी अस्पताल में इलाज के दौरान 3 और घायलों ने दम तोड़ दिया। हादसे में 2 साल की बच्ची और 1 साल के बच्चे की भी मौत हुई है। पुलिस ने बताया कि डंपर गन्ना लदे ट्रैक्टर से टकरा गया। इसके बाद डंपर के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और डंपर फुटपाथ पर चढ़ गया। यूं तो आपने लुटेरी दुल्हन के कारनामे खबरों में खूब पढ़े होंगे, लेकिन कोटा जिले के विज्ञान नगर थाना क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाला और अपनी तरह का पहला मामला सामने आया है। एक महिला ने पुरुष का वेश बनाकर दूसरी महिला से शादी कर ली। वो बकायदा पति बनकर 4 महीने तक दुल्हन के साथ रही। पुरुषों जैसे बाल, आवाज में भारीपन से किसी को भी शक नहीं हुआ। युवती ने महिला के जेवर नकदी भी ले लिए और काफी पैसा भी खर्च करवा दिया। दोनों के बीच पैसों को लेकर झगड़े हुए और बात पुलिस तक पहुंची तो कहानी का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र के सकोदरा में सिर कटा नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवजात के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी ने अवैध संबंधों को परिवार से छुपाने के लिए भ्रूण को यहां फेंका होगा। पुलिस नवजात को फेंकने वाले की तलाश में जुट गई है। इसके लिए मुखबिरों की सहायता भी ली जा रही है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में मां और 2 बच्चों और अमृतसर में सो रहे मां बेटे की मौत हो गई। फिरोजपुर के गांव हामदवाला उताड़ में एक कमरे में अंगीठी जलाकर सो रहे परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में 35 वर्षीय महिला और 2 बच्चे हैं। तीनों की मौत का कारण अंगीठी के धुएं से दम घुटना बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही थाना मल्लावाला पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर तीनों शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। उधर अमृतसर के लोहगढ़ गेट में अंगीठी में कोयला जलाकर सो रहे मां बेटे की दम घुटने से मौत हो गई। वहीं मृतका के पति को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। कोरोना काल के बाद शादियां अब ऑनलाइन होने लगी हैं। मद्दूरे के एक परिवार ने प्रियजनों से शादी के उपहार इकट्ठा करने का एक दिलचस्प तरीका खोजा है। उन्होंने अपने शादी के कार्ड पर एक QR कोड मुद्रित किया है। शादी में आमंत्रित लोग कार्ड पर QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और गूगल पे या फोन पे के माध्यम से दुल्हा दुल्हन को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इस अनोखे आमंत्रण की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चित हो रही हैं। किसी भी समारोह के मेजबानों को नकद उपहार देने की संस्कृति तमिलनाडु में प्रचलित है। कैशलेस लेन देन को बढ़ा देने और संक्रमण की जोखिम को कम करने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। जयपुर जिले के जोबनेर थाना क्षेत्र के बोराज गांव में एक बेकाबू डंपर ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में टेम्पो चालक सूरजमल की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कोई परिवार अपनी नाबालिग लाडो का विवाह करा दे, ऐसे मामले तो राजस्थान में आ ही जाते हैं, लेकिन अपने ही लाडो का पैसे के लिए 2 बार सौदा कर दी, वह भी महज 15 दिन में। बारां जिले के छिपाबदौड़ थाना क्षेत्र में ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें बेटी की 2 बार शादी करा दी। पहले मौसा मौसी और अंकल ने 1 लाख रुपये में बालिका को बेचकर शादी करा दी। वह भागकर आ गई तो माँ ने किसी अन्य परिवार को शादी के लिए 1,21,000 रुपये में उसे बेच दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए पीड़िता की मां, 2 दलाल और दोनों पतियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से मानव तस्करी का मामला भी इनके खिलाफ लगाया गया है। श्रीगंगानगर जिले के घमुडवाली थाना क्षेत्र में खुली जेल में एक कैदी द्वारा दूसरे कैदी की हत्या कर दिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि नरसिंहपुरा खुली जेल में धारदार हथियार से एक कैदी ने दूसरे कैदी को मौत के घाट उतार दिया। घटना में नत्था सिंह निवासी 3 SHPD सूरतगढ़ की मौत हो गई। हत्या करने के बाद दूसरा बंदी गोरा सिंह फरार हो गया। पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है। इसके लिए पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई है।
जैसलमेर जिले में नहरी क्षेत्र JJW पर मुरबे पर काश्त करने वाले कम्बरा राम के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस परिवार का 6 माह का मासूम आगजनी में जिंदा जल गया। कम्बरा राम का पूरा परिवार मुरबे के बीच बने अपने झोंपड़े में खाना खाने के बाद पास स्थित मुरबे में फसल को पानी लगाने के लिए निकल गया। इस दौरान 6 माह का मासूम बेटा सो रहा था। 2 बेटियों, 1.5 साल की और दूसरी 3 साल की, उसका ख्याल रखने के लिए घर पर ही थी। करीब 1:15 बजे चूल्हे से उठे चिंगारी से झोंपड़े में आग लग गई। दोनों बच्चियां चिल्लाती हुई बाहर निकली और भाई को बचाने के लिए आवाज लगाने लगी, लेकिन झोंपड़े ने आग पकड़ ली और 6 वर्षीय मासूम की जिंदा जलने से मौत हो गई। पाली जिले के रायपुर थाना पुलिस ने बिराटिया कला गांव के समीप नकली नोटों की खेप लेकर खड़े एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.5 लाख रुपए के जाली नोट बरामद करने में सफलता हासिल की है। आरोपी के पास मिले 2,500, 200 तथा 100 रुपए के सभी नोटों को पुलिस ने बैंक अधिकारियों को बुलाकर जाँच करवाई गई। इनमें सभी नकली निकले और वे किसी साधारण प्रिंटर पर ही छापे गए हैं। आरोपी की माँ, बहन तथा एक भाई को पुलिस ने 15 दिन पहले ही गाँव में नकली नोटों को दुकानों पर खपाने के प्रयास में रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। वे तीनों अभी भी जेल में ही हैं। आरोपी का पिता प्रदेश का कुख्यात जेब कतरा है। उसके खिलाफ भी कई थानों में जेब तराशी करने तथा चोरी के मामले दर्ज हैं। वह कई बार जेल भी जा चुका है। बांसवाड़ा में पत्नी को खुदकुशी के लिए दुष्प्रेरित करने के दोषी पति अंबापुरा निवासी कमलेश को सेशन कोर्ट ने 7 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पति पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्रकरण 5 साल पहले का है। प्रार्थी मध्य प्रदेश निवासी पूनम चंद्र ने थाने पर उपस्थित होकर शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया था कि उनकी बेटी सोना की शादी कमलेश से हुई थी। बेटी के जन्म के बाद से कमलेश उनकी बेटी को दहेज के लिए मारपीट करने लगा और उसकी बेटी ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली थी। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।